नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एटूडेट बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ सही है, उनके लैंड सीडिंग में भी यस लिखा हुआ है, उनके ई केवाईसी में भी यस लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी के आगे भी यस लिखा हुआ है, पीएफएमएस में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीएफएमएस स्टेटस में लिखा हुआ है, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। तो कुल मिलाकर के अगर जिनके बेनिफिशियरी स्टेटस में सब कुछ सही है, उसके बाद भी जिन लोगों को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जो कि 17 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर की है, अगर वह किस्त उन लोगों को नहीं मिली है तो उन लोगों को पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके लिए उन किसानों को क्या करना होगा जिनको यह किस्त नहीं मिली है, सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए क्या जानकारी दी गई है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि सरकार के द्वारा क्या जानकारी दी गई है, आप लोगों को पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी ने देखा कि योजना की जो 11वीं किस्त थी वो 12 करोड़ से अधिक किसानों को दी गई थी। वही दोस्तों योजना की जो 12वीं किस्त थी जो कि 17 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर की है, दोस्तों उसमें किसानों की संख्या की बात करें तो किसानों की संख्या घट करके सिर्फ 8 करोड़ रह गई, यानी 4 करोड़ किसानों को यह किस्त नहीं दी गई है। एवरेज की बात करें, औसत की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों इसमें 66% किसानों को ही इसका लाभ दिया गया है, 33% ऐसे किसान हैं जो कि इस बार 12वीं किस्त से वंचित हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी संख्या है, 4 करोड़ किसानों को यह किस्त नहीं मिली है। दोस्तों इन 4 करोड़ किसानों में से 2 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई ना कोई कमी है, चाहे वो लैंड सीडिंग में हो या फिर उनकी ई केवाईसी डन ना हुई हो या फिर उनके पीएफएमएस में कोई प्रॉब्लम हो या फिर उनका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक ना हो या फिर अकाउंट में आधार लिंक ना हो, ऐसी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो लगभग 2 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके स्टेटस में कोई ना कोई कमी के चलते यह किस्त नहीं मिली। वही दोस्तों अपात्र किसानों की संख्या की बात करें तो दोस्तों पूरे देश में लगभग 70 लाख ऐसे किसान हैं जो कि अपात्र पाए गए हैं। सरकार ने ई केवाईसी कराया, कुछ किसान उसमें अपात्र पाए गए, उसके बाद सरकार ने भौमिक सत्यापन करवाया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे किसान पाए गए जो कि फर्जी तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे, ऐसे लोगों को भी अपात्र किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 2 करोड़ किसानों की मैंने आपको बताया कि स्टेटस में कोई ना कोई कमी है, वहीं 70 लाख ऐसे किसान पाए गए जो कि अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे थे, तो उन लोगों को भी योजना से बाहर किया गया है। तो दोस्तों अब बचते हैं 4 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ 30 लाख किसान। दोस्तों इन किसानों का सब कुछ सही है, उनके पीएफएमएस में भी कोई भी कमी नहीं, वहां पर लिखा हुआ है फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक, लैंड सीडिंग में उनके आगे यस लिखा हुआ है, ई केवाईसी के आगे यस लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी के आगे यस लिखा हुआ है, फिर भी ऐसे लोगों को योजना की जो 12वीं किस्त है वो नहीं दी गई है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को पैसा कब और कैसे मिलने वाला है। दोस्तों ये मैंने जो आप लोगों के साथ डेटा शेयर किया है 4 करोड़ किसानों का कि कितने लोग इसमें अपात्र किए गए हैं, वहीं कितने लोगों का जो पीएफएमएस में प्रॉब्लम है, कितने लोगों का लैंड सीडिंग नो है, दोस्तों सरकार ने कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है, सरकार का डेटा नहीं है, सरकार ने कोई भी अपना ऑफिशियल डाटा शेयर नहीं किया है। दोस्तों ये खबरें जो कि मीडिया रिपोर्ट से मुझे मिली है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। यहाँ पर मैं किसानों की संख्या को कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा कम हो सकती है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं होगा। दोस्तों बात करें जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, तो ऐसे लोगों को आखिर योजना की ये जो 12वीं किस्त ट्रांसफर की गई आखिर क्यों नहीं दी गई है, ये कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए किसानों को क्या करना होगा जिन लोगों को 12वीं किस्त नहीं मिली है जबकि उनके स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं पहले भी इस विषय पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को आज विस्तार से जानकारी दे देता हूं कि दोस्तों जिनके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कहीं भी नहीं जाना है और उन्हें कुछ भी नहीं करना है। ये फंड की कमी के चलते आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आया है, जैसे ही सरकार के पास फंड की व्यवस्था हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, आप लोगों के खाते में सरकार पैसा ट्रांसफर कर देगी। दोस्तों आप लोग एक ये मीडिया रिपोर्ट का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इसमें सरकार ने लिखा है कि जिनके भी पीएम किसान के स्टेटस में कोई भी कमी है वो लोग इसे सही करा लें, सरकार के द्वारा कंटिन्यू पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे जैसे फंड की व्यवस्था होती जा रही 30 नवंबर तक किसानों को पैसा कंटिन्यू जारी किया जाएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इसमें अगर अधिकतम समय की बात करें कि जिनका सब कुछ सही है और उन्हें पैसा नहीं मिला है तो कब मिलेगा, दोस्तों अधिकतम समय की बात करें तो दोस्तों जो 13वीं किस्त होगी योजना की उसके साथ भी आप लोगों को 12वीं किस्त जोड़ के दी जा सकती है, यानी आपको 4000 रुपए दिए जा सकते हैं। और दोस्तों अगर कम से कम समय की बात करें कि कम से कम कितने समय में आपको किस्त मिल सकती है, तो दोस्तों आपके खाते में सरकार के द्वारा कल भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है।
दोस्तों जैसे ही सरकार के पास फंड की व्यवस्था हो जाएगी, सरकार आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आप जल्दबाजी में किसी भी लोकवाणी केंद्र या कहीं भी जाकर के कुछ ऑनलाइन या ऑफलाइन के चक्कर में ना पड़े। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया है, आपका सब कुछ सही है, तो आप घर बैठिए। फंड की कमी के चलते आप लोगों को पैसा नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले तब भी फंड की कमी के चलते करोड़ों किसानों की किस्त रोकी गई थी। तो इसलिए दोस्तों उन किसानों ने इंतजार किया था, और सरकार ने जब योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर की थी तो बहुत सारे किसानों को आठवीं किस्त के साथ में सातवीं किस्त भी दे दी थी। वहीं दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी किसान थे, जैसे जैसे सरकार के पास फंड की व्यवस्था होती गई थी, सरकार ने सभी किसानों को पैसा ट्रांसफर कर दिया था आठवीं किस्त से पहले ही। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फंड की कमी के चलते ये हुआ है, आप लोगों की किस्त रोकी गई है। जैसे ही सरकार के पास फंड की व्यवस्था हो जाएगी, आप लोगों के खाते में सरकार पैसा ट्रांसफर कर देगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। सरकार बहुत ही जल्द आप लोगों के खाते में बारहवीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।